इट इज द मेन प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। आपका जो नर्वस सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, वो आपका मेन सेंट्रल यूनिट होता है, प्रोसेसिंग यूनिट होता है, क्योंकि आपकी पूरी बॉडी में जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट होती है वो आपके ब्रेन तक जाती है। अब आपको दो चीज़ समझ में आ गई कि ब्रेन और आपका जो स्पाइनल कॉर्ड है ये आपके सेंट्रल ऑर्गन्स है, ठीक है। यहाँ पे जो आप देख सकते हो सेंटर में आपको दो ही चीज़ मिलेगी, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो इसलिए हम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोलते हैं। तो जनरली नर्वस सिस्टम के हम दो डिवीजन करते हैं, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो कॉमन सेंस की बात है, सेंटर में आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आ रहा है तो दे विल बी पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, बस इतना ही आपको सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पढ़ना है। बच्चे कंफ्यूज होते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में कि सर मोटर नर्व्स क्या है, सेंसरी नर्व्स क्या है, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो आज हम डिवीजन के बारे में बात करेंगे। अब हमने पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के दो डिवीजन करे, एक मोटर डिवीजन एक सेंसरी डिवीजन। मोटर डिवीजन में क्या है, इन्फॉर्मेशन ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से दूर जाए, दैट मीन्स इन्फॉर्मेशन विल बी कैरीड अवे फ्रॉम द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। और जो सेंसरी नर्व है उसमें इन्फॉर्मेशन हमारे बॉडी कलेक्ट करके इसको लेकर ब्रेन को देगा। वी कैन से दैट सेंसरी नर्व्स आर द नर्व्स दैट कैरी इन्फॉर्मेशन टुवर्ड्स द स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन, ठीक है। अल्टीमेटली आपकी इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक ही जानी है और अल्टीमेटली आपकी इन्फॉर्मेशन ब्रेन से निकल के आपके टारगेट ऑर्गन्स या फिर मसल्स तक जाए, है ना। तो स्पाइनल कॉर्ड एक मीडियम है, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड कंप्यूटिंग नहीं कर रहा है, स्पाइनल कॉर्ड इंटीग्रेशन नहीं करता इन्फॉर्मेशन का, स्पाइनल कॉर्ड किसी भी कॉग्निटिव प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं है। स्पाइनल कॉर्ड का फंक्शन है कि ब्रेन से इन्फॉर्मेशन कैरी करना है और पेरिफेरल नर्व्स को देना है, ठीक है। इतना आपको अगर समझ में आ गया तो आपको ऑलरेडी 50% नर्वस सिस्टम को समझ चुके हैं। तो मोटर डिवीजन इन्फॉर्मेशन अवे और सेंसरी डिवीजन टूवर्ड्स द ब्रेन। अब हम डिवाइड करते हैं मोटर डिवीजन, जो मोटर डिवीजन है उसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक है आपका सोमेटिक और एक है आपका ऑटोनॉमिक, ठीक है। तो सोमेटिक इन्फॉर्मेशन यानी कि ब्रेन से अगर नर्व्स गई है स्केलेटल मसल्स तक, है ना, एक वॉलेंट्री मूवमेंट जो आपका होता है स्केलेटल मसल्स ही करवाता है, तो सोमेटिक डिवीजन में ऐसी नर्व्स रहेगी जो कि इन्फॉर्मेशन आपके स्केलेटल मसल्स को देगी। यानी कि आप कह सकते हैं कि जो सोमेटिक डिवीजन है वो आपका वॉलेंट्री डिवीजन है, तो जो भी आपका मूवमेंट होता है बॉडी के अंदर वो सोमेटिक नर्व्स या फिर सोमेटिक डिवीजन से ही होता है। फिर एक और टाइप की नर्व्स होगी जो कि इन्फॉर्मेशन देगी आपके इंटरनल ऑर्गन्स को। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने खाना खाया है तो आपका पेरिस्टाइसिस चालू हो जाएगा ईसोफेगस, है ना। आप अगर स्टमक में जाएगा तो स्टमक के अंदर आपका जो भी डाइजेशन की प्रोसेस है वो चालू हो जाएगी, एसिड रिलीज हो जाएगा, है ना। जो आपका गैस्ट्रिक कार्डिक स्फिंक्टर होता है वो ओपन हो जाएगा। जब भी आप खाना खाते हैं तो सब प्रोसेस ऑटोमेटिक होती है। आप सांस लेते हैं तो सांस जब आप लेते हो तो लंग्स ऑटोमेटिकली एक्सपांड हो रहे हैं, ऑटोमेटिकली रिलैक्स हो रहे हैं, ना। तो ऑर्गन्स की जो भी एक्टिविटी है वो सब ऑटोनॉमिक है, ठीक है। तो वाली इन्फॉर्मेशन भी ब्रेन से इन ऑर्गन्स तक जाएगी। लेट मी रिपीट माई सेल्फ, मोटर डिवीजन के दो सब डिविजन्स है। पहला हमने देखा सोमेटिक डिवीजन। सोमेटिक डिवीजन में आपकी स्केलेटल मसल्स तक इन्फॉर्मेशन जाएगी, यानी कि जो भी आप वॉलेंट्री मूवमेंट कर रहे हैं वो स्केलेटल मसल्स आपकी सोमेटिक डिवीजन से करवाएगा। यानी कि ऐसी नर्व जो कि स्केलेटल मसल्स को इन्फॉर्मेशन देती है दे कम अंडर सोमेटिक डिवीजन। फिर हमने देखा ऑटोनॉमिक डिवीजन, ऐसी नर्व जो कि आपके इंटरनल ऑर्गन्स को इन्फॉर्मेशन देती है जिसके बारे में आप अवेयर नहीं है, वो है आपका ऑटोनॉमिक डिवीजन। तो ऑटोनॉमिक डिवीजन के अंदर आपके सारे ऑर्गन्स आ जाएंगे, सारी ग्लैंड्स आ जाएंगी। और आपको एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जैसे हमने पढ़ा कि सोमेटिक डिवीजन में स्केलेटल मसल्स आएगी, वैसे ही आपकी जो ऑटोनॉमिक डिवीजन है उसमें आपका जो हार्ट होता है वो कार्डियक मसल से बनता है, तो कार्डियक मसल्स भी ऑटोनॉमिक डिवीजन में आ जाएगी। और आपकी जो स्मूथ मसल्स है ना, जो आपका जो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके अंदर भी एक मूवमेंट होता है जिसको हम पेरिस्टाइसिस बोलते हैं, वो भी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के कारण ही होता है। लेट मी रिपीट माई सेल्फ, इन नर्वस सिस्टम सेंट्रल नर्वस सिस्टम यू हैव ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड, इन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यू हैव मोटर एंड सेंसरी डिवीजन। अभी हमने जस्ट पढ़ा मोटर डिवीजन जिसके अंदर हमने देखा सोमेटिक डिवीजन जिसमें कि नर्व्स स्केलेटल मसल्स को सप्लाई करेगी, फिर हमने देखा ऑटोनॉमिक डिवीजन जिसमें कि आपका जो नर्व्स है जो कि ब्रेन से निकलेगी स्पाइनल कॉर्ड तक जाएगी, स्पाइनल कॉर्ड से आपके ग्लैंड्स ऑर्गन्स स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स को सप्लाई करेगी। और एक इनवॉलेंट्री है, तो आप बोल सकते हो मोटर नर्व्स के दो डिवीजन, एक वॉलेंट्री एक इनवॉलेंट्री। वॉलेंट्री यानी कि सोमेटिक जिसके अंदर की स्केलेटल मसल्स दैट इज यूज्ड फॉर मूवमेंट, एंड देन यू हैव इनवॉलेंट्री दैट इज ऑटोनॉमिक, ठीक है। तो दैट वाज अबाउट मोटर डिवीजन। अब हम बात करते हैं सेंसरी डिवीजन की।
तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस की जो सेंसरी नर्व्स होते हैं वो इन्फॉर्मेशन टुवर्ड्स द ब्रेन है ना, दे विल कैरी इन्फॉर्मेशन टुवर्ड्स द ब्रेन। सो सेंसरी नाम में आप देख सकते हो कॉमन सेंस की बात, इसमें आपके सारे सेंसेस आएंगे। तो हमने दो डिवीजन किया है इसमें, एक तो आपके सेंसेस जो आपके सिक्स सेंस होते हैं वो सारे सेंस आ जाएंगे, और आपका कुछ इंटरनल ऑर्गन्स भी कुछ सेंस करते हैं बॉडी के अंदर, वो भी इन्फॉर्मेशन आपके ब्रेन को मिलती है। ठीक है, तो जो सेंस हो गया आपकी विजन हो गया थ्रू आइज, स्मेल हो गया थ्रू नोज, टेस्ट हो गया थ्रू टंग, हियरिंग हो गया थ्रू ईयर्स है ना, बैलेंस भी हो गया थ्रू ईयर्स है ना, यहाँ तक कि पेन, टच, प्रेशर, परसेप्शन, यानी जो भी इंफॉर्मेशन आपके ब्रेन तक जाएगी है ना, वो आपकी सेंसरी नर्व्स से निकल जाएगी। तो हमने दो डिवीजन देखे, पहला डिवीजन क्या था, सेंसेस। तो सेंसेस के अंदर आपका विजन, स्मेल, टेस्ट, हियरिंग, बैलेंस, टच, प्रेशर, पेन। और जो सेकेंड सब डिवीजन है इसका, वो है आपका इंटरनल इन्वायरमेंट, यानी कि आपके बॉडी के अंदर जो भी प्रोसेस चल रही है ना, आपका ब्लड प्रेशर हो गया, आपकी रेस्पिरेशन रेट हो गई, आपका ग्लोमेरुलेशन, आपका सॉरी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट हो गया किडनी के अंदर, वो सब जो प्रोसेस है वो वाली इन्फॉर्मेशन भी, ये सब इन्फॉर्मेशन भी ब्रेन तक जाती है। ठीक है, सो दे आर नोन एज इंटरनल इन्वायरमेंट। ठीक है, तो तीन टाइप के होते हैं बैरोसेप्टर्स। बैरोसेप्टर्स आपके हार्ट में प्रेजेंट रहते हैं, और जो बैरोसेप्टर्स है वो इन्फॉर्मेशन देते हैं आपके ब्रेन को अबाउट ब्लड प्रेशर। तो बैरोसेप्टर्स मेजर ब्लड प्रेशर। वैसे ही अगर आप लंग्स देखोगे तो लंग्स के अंदर आपके होते हैं कीमोरिसेप्टर्स। कीमोरिसेप्टर्स देखते हैं कि लंग्स के अंदर कितना कार्बन डाइऑक्साइड और कितना ऑक्सीजन है, उनका लेवल कितना है, और वो इन्फॉर्मेशन जाता है आपके ब्रेन तक। वैसे अगर आप देखोगे ऑस्मोरिसेप्टर्स, तो आपकी ब्लड वेसल्स के अंदर रहती है, और ब्लड वेसल्स के अंदर क्या देखते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर, कि कितना प्रोटीन है, कितना कोलोइडल प्रेशर है ना। तो ये सब इन्फॉर्मेशन किसको ट्रांसफर होती है, ब्रेन को। तो ये आएगा आपका इंटरनल इन्वायरमेंट। तो स्टार्टिंग फ्रॉम ब्रेन, सो आपका जो ब्रेन होता है वो क्रेनियल बोन के अंदर प्रेजेंट रहता है। ठीक है, सो ब्रेन इज प्रेजेंट इनसाइड द क्रेनियल बोन। ठीक है, तो जो आपकी आठ क्रेनियल बोन्स होती है ना, फ्रंटल बोन, पैरेटल बोन, टेम्पोरल बोन, ऑक्सिपिटल बोन, ओके, सो इन बोन्स के अंदर आपका क्या प्रेजेंट है, ब्रेन प्रेजेंट है। तो आप कह सकते हैं कि जो क्रेनियल बोन्स है वो एक वॉल्ट बनाता है ना, वॉल्ट यानी कि तिजोरी, और उस वॉल्ट के अंदर आपका ब्रेन प्रेजेंट रहता है। एंड अगर आप देखेंगे तो जो आपका सेकेंड ऑर्गन है नर्वस सिस्टम का, वो है आपकी स्पाइनल कॉर्ड, एज यू कैन सी हियर। ठीक है, और जो स्पाइनल कॉर्ड रहती है वो आपकी वर्टिब्रल कॉलम जो रहती है, जो आपकी वर्टिब्रल्स रहती है उससे प्रोटेक्टेड रहती है। ठीक है, जैसे कि आपका ब्रेन क्रेनियल बोन से प्रोटेक्टेड है, वैसे आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड है वो आपकी वर्टिब्रल कॉलम से प्रोटेक्टेड रहती है। व्हाट इज वर्टिब्रल कॉलम, तो इस वर्टिब्रल कॉलम के अंदर आपका 28 वर्टिब्रास आ जाएगी, 7 सर्वाइकल, 12 थोरासिक एंड 5 लंबर। और जो आप अगर वर्टिब्रा को देखोगे उठा के, तो उसके बीच में सेंट्रल कैनाल रहता है, वर्टिब्रल कैनाल रहता है, जिसके थ्रू आपका स्पाइनल कॉर्ड पास होता है।